अब कमेंट्स में जो सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन पूछा गया कि टर्की के वीजे के बारे में आपने हमें ना इन्फॉर्मेशन दे, महमूद अहमद जो है वो उन्होंने सबसे ज्यादा जो है ना कोई मेरा ख्याल 10 या 12 कमेंट्स में ये पूछा कि टर्की के वीजे के बारे में हमें जो है ना कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दें कि कितना खर्चा आएगा, वीजा कैसे लेना है, वहां पे हम जाके क्या करें। तो आज की जो वीडियो है ये टर्की के विजिट वीजा वो कैसे लेना है, आप अगर विजिट करेंगे तो कितना खर्चा आएगा वहां पे, और सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ वो ये है कि अगर आप टर्की का विजिट वीज़ा लेंगे और टर्की का विजिट करके वापस आएंगे तो आपकी जो ट्रैवल हिस्ट्री है वो जो है ना वो बिल्ड होगी, और फिर आप इस उसी बेस पे आप शेंजन वीज़ा भी ले सकते हैं, यूके का वीज़ा भी अप्लाई कर सकते हैं। इस तरह डिफरेंट जो है ना आपके लिए जो ऑप्शन जो है ना वो ओपन हो जाती हैं। ठीक है, वीज़ा मिल जाता है, कोई इतना मुश्किल काम नहीं है पाकिस्तानी पासपोर्ट पे या इंडियन पासपोर्ट पे, लेकिन उसके लिए हर चीज़ का एक तरीकाकार होता है। तो आपने इस जो मैं आपको इस वीडियो में एक्सप्लेन करूँ इस तरीकाकार के साथ आपने अप्लाई करना है, तो आपको ताकि कोई मुश्किल पेश ना आए। सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट चीज़ है 3 मंथ्स की बैंक स्टेटमेंट, ठीक है, वो आपने तैयार करनी है, वो टर्किश वीज़ा के लिए जो है ना उसकी रिक्वायरमेंट है। ठीक है, क्योंकि बाकी चीज़ें तो बाद में जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो तो रेडी हो जाएंगे, लेकिन 3 मंथ्स की जो बैंक स्टेटमेंट है उसको रेडी करना। अगर आप जॉब करते हैं तो जॉब आपकी सैलरी जो है ना आपके अकाउंट में आनी चाहिए, बिजनेस है तो बिजनेस के जो चेक उसमें आने चाहिए। ठीक है, कोई भी सोर्स ऑफ इनकम जो है ना वो आपने बताना है। एक्चुअली ये नहीं कि मैंने ना 10 लाख रुपया अकाउंट में रख दिए, चलो जी नफ है 10 लाख रुपया पड़ा। एग्रीकल्चर लैंड आपके पास, कोई बिजनेस है, कोई प्रॉपर्टी है आपकी, वहां से जी मैंने रेंट पे दी हुई, कोई ना कोई एविडेंस तो होना चाहिए ना, कि ताकि हमने वीजा ऑफिसर को बताना है कि भाई ये मेरा एविडेंस है और ये मेरी सेविंग्स है पिछली, तो उस बेस पे जो है ना मैं वीजा लेना चाह रहा हूँ। ठीक है, तो 3-4 लाख रुपया जो है ना वो 3 से 5 मैं कहूंगा कि 3 जो मिनिमम है। ठीक है, 5 तक हो जाए तो वो बहुत बेहतर है, 7 लाख हो जाए तो फिर तो यकीनी वीज़ा जो है ना आपका उसमें लग जाएगा। ठीक है, इसलिए एविडेंस जो ना वो बहुत ज़रूरी है। टर्किश वीज़ा बेशक आपने दुनिया का कोई भी वीज़ा लेना, को मेरी ये सोर्स ऑफ इनकम है भाई, तो मैं ये ऐसा ऐसा मैंने ये सेविंग की है तो मैं अब विजिट करने जा रहा हूँ। उसके बाद अगर आपकी उम्र जो है ना वो अगर 18 साल से कम है तो फिर गार्डियन के साथ ना इजाजतनामा लेना पड़ेगा आपको, किसी गार्डियन के साथ जाना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल आपने पेरेंट्स के जाना पड़ेगा, आप बड़े भाई के साथ जाना पड़ेगा, या आप पेरेंट्स आपके इजाजत दें किसी टीचर को, अगर स्कूल की तरफ से जा रहे हैं कॉलेज की तरफ से जा रहे हैं तो वो उसकी तरफ से आपके पेरेंट्स की तरफ से इजाजत हो कि ये हमारा बेटा या बेटी जो है ना वो जाना चाहते हैं टर्की विजिट वीजा के लिए, हमने स्कूल का जो ट्रिप जा रहा है या कॉलेज का ट्रिप जा रहा है उस कैटेगरी में फिर आप जाएंगे। ठीक है, लेकिन अगर आपकी उम्र 18 साल से कम है तो फिर आप अकेले विजिट वीजा नहीं ले सकते। ठीक है, दूसरी चीज इसमें 2 VFS जो है ना वो टर्की जो जेरीज है वो सर्विसेज प्रोवाइड करती है। अब एक नई कंपनी है एनाटोलिया ट्रैवल सर्विसेज .com, ठीक है, उसके डिस्क्रिप्शन में मैं दोनों के लिंक भी दे दूंगा। एनाटोलिया जो है ना वो इसलिए मैं सजेस्ट करूंगा कि उसके लिए आपको ना अपॉइंटमेंट लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है, VFS के सिर्फ जो ना 3 सेंटर्स है, लाहौर, इस्लामाबाद, कराची, और दूसरी तरफ एनाटोलिया जो सर्विसेज .com है उसके पाकिस्तान में सियालकोट में भी है, ठीक है, हैदराबाद में भी उसका, कराची में भी है, इस्लामाबाद में भी है, फैसलाबाद में, मुख्तलिफ शहरों में उसके जो ना वो सेंटर्स है एनाटोलिया सर्विसेज .com के। ठीक है, और VFS पुरानी कंपनी है, जो आपको सूट करे वो जो है ना आप उसकी जो है ना वो सर्विसेज आप ले सकते हैं। ठीक है, एनाटोलिया के लिए आपको अपॉइंटमेंट नहीं लेनी पड़ेगी, सीधा आप उनके सेंटर में जाएं, सेंटर में जाने के बाद वो आपको टोकन देंगे और उसके बाद आपके डॉक्यूमेंट्स की चेकलिस्ट सारी जो है ना वो देखेंगे, उसके बाद वो आपकी एप्लीकेशन जो है ना वो रिसीव करके टर्किश एम्बेसी को भेज देंगे। VFS की दूसरी तरफ जो है ना वो आपको अपॉइंटमेंट लेनी पड़ती है। ठीक है, अब अपॉइंटमेंट वो भी जल्दी मिल जाती है, वो इतनी नहीं कि आपको महीने महीनों की, वो भी जल्दी मिल जाती है। ठीक है, और सारा काम जो है ना अब टर्किश वीज़ा का जो सारा जो काम है वो ऑनलाइन है, फॉर्म आपने ऑनलाइन फिल करना है, वो भी कोई बहुत मुश्किल नहीं है। आप उनकी वेबसाइट पे जाएं एनाटोलिया सर्विसेज या VFS की, वहाँ पे फॉर्म पड़े हो, आपने यूजर नेम या पासवर्ड क्रिएट करना है, उसके बाद आपने उस फॉर्म को फिल कर देना है, प्रिंट भी लेना साथ जरूरी है, उसके साथ एक जो है ना वो पिक्चर जो है ना आपने जो सबमिट करवानी है
वो डिजिटल फॉर्म में भी आपके पास, मतलब आप स्कैन करवा के अपने कंप्यूटर में रखें ताकि वहाँ पे आपने अपलोड करनी है, और दो रिसेंट पासपोर्ट साइज। अब ये जो इनका साइज जो है ना 5 सेंटीमीटर × 5 सेंटीमीटर होना चाहिए उसका साइज जो है ना। आप जब तस्वीर जो लेंगे उन्हें कहें जी US वीज़ा के लिए या टर्कश वीज़ा के लिए, उनको पता होता, फोटोग्राफर्स को पता होता, वो आपकी तस्वीर उसी हिसाब से जो ना वो बना देंगे। उसके बाद अब एम्प्लॉयमेंट लेटर, ठीक है, अगर आप जॉब कर रहे हैं अगर आप तो HR की तरफ से लेटर हेड पे जिसके ऊपर फ़ोन नंबर लिखा हुआ हो, जिसके ऊपर ईमेल एड्रेस हो, जिसके ऊपर HR का हेड है, एग्जेक्टिव HR है, GM HR है, जो भी है उनकी तरफ से जो है ना ऑफिशियल जो लेटर, ऑफिशियल ईमेल एड्रेस जो है ना आपने देना है वहाँ पे कि ये हमारा एम्प्लॉई है, ये इसका CNSA नंबर है, ये टर्कश वीज़ा के लिए ना अप्लाई करना चाह रहा है, तो इतने दिनों से इतने दिनों के लिए जाना चाह रहा है, तो हमें कोई इतराज़ नहीं है, हम हमारी तरफ से क्योंकि इसको छुट्टियाँ जो है ना वो लीव जो एनुअल इंटाइटल्ड है तो ये कर सकते हैं, ठीक है, ये विजिट के लिए जा सकते हैं। और कोशिश करें जो ना टू होम मेड कंसर्न, वो जो एक जो जनरल लाइन लिखी थी वो ना लिखवाएं, टू टर्कश एम्बेसी इस्लामाबाद ये लिखवाएं, टू टर्कश एम्बेसी न्यू दिल्ली अगर इंडिया से आप अप्लाई कर रहे हैं तो ये आप लिखवाएं स्पेसिफिक के जो है ना कि ये इस एम्बेसी के लिए HR जो डिपार्टमेंट है ना वो लेटर इशू कर रहा है। साथ आप सैलरी स्लिप लगाएं, NTN नंबर, अगर नेशनल टैक्स नंबर अगर आप रजिस्टर नहीं है तो आप अपने आप खुद को रजिस्टर करवाएं, अपने जो फेडरल रेवेन्यू बोर्ड है उसके साथ आप रजिस्टर्ड हो, थोड़ा बहुत टैक्स पे करें ताकि आप रिकॉर्ड में आ जाए, ठीक है, ये है। उसके बाद ये बैंक स्टेटमेंट लगे इंश्योरेंस 30,000 जो है ना वो यूरोज या $50,000 की इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस, पहले ये नहीं होती थी लेकिन रिसेंटली अब इन्होंने पिछले कोई 2-3 साल से ना हेल्थ इंश्योरेंस लाजमी कर दी है। तो हेल्थ इंश्योरेंस आप किसी भी जो इंश्योरेंस कंपनीज हैं उनसे 1 महीने की हेल्थ इंश्योरेंस अपने नाम के लिए लें, पासपोर्ट नंबर, वो आपको 3,000 रुपये में मिल जाएगी, मैक्सिमम जो ना वो 5,000 में वो कवर मिल जाएगा पूरे 1 महीने का, ठीक है, वो आपने लेने लिए बहुत सारे इंश्योरेंस कंपनीज हैं, आप उनमें से चूज करने के ये यार इसका नाम अच्छा है, इनकी वेबसाइट भी ठीक है, ये आपने चीज़ें थोड़ी सी देख लेनी है ताकि वो अगर सर्च भी करना चाहे वीज़ा ऑफिसर तो उसको इन्फॉर्मेशन मिल जाए, ठीक है, ये आपने थोड़ी सी कोशिश करनी है कि इसको इसका इस चीज़ का ध्यान रखें। उन्हें आप कहेंगे मैंने टर्कश वीज़ा के लिए अप्लाई करना है, और बेशक आप 1 हफ्ते के लिए जा रहे हैं 2 हफ्ते के लिए, अगर 1 महीने का कवर ले लें आप, ठीक है, वो 3,000 से 5,000 रुपये में मिल जाएगा, वो इतना कोई एक्सपेंसिव नहीं है, ठीक है, ये 3 चीज़ें ये हो गई। उसके बाद होटल बुकिंग्स के कितने दिनों के लिए आप जाना चाह रहे हैं, ठीक है, होटल बुकिंग करवाएं, hotelbooking.com, ठीक है, या booking.com मैं ये रिकमेंड करूँगा, और मैंने हमेशा जो है ना वो इन्हीं के ज़रिए करवाई, या अगर आप ग्रुप में जा रहे हैं तो Airbnb आप पूरा अपार्टमेंट भी ले सकते हैं, ठीक है, वहाँ से आप कोई अच्छी जो है ना वो किसी होटल की बुकिंग करवा लें, ठीक है, और अगर आप 7 दिन का आपका विजिट है तो 7 दिन की करवा लें, अगर 15 दिन का है तो 15 दिन की, 15 दिन आप एक शहर में तो नहीं रहेंगे तो फिर डिफरेंट शहर की जो वो बुकिंग करवानी है, रिजर्व करवानी है आपने, ठीक है, पैसे पे नहीं करने, ये आपने ध्यान रखना है कि पैसे पे नहीं करने, उसमें ऑप्शन होती है कि बुक नो पे लेटर, ठीक है, और कैंसिल एनी टाइम, या फिर आप कैंसिल भी उसको कर सकते हैं किसी भी वक्त, ठीक है, ये ध्यान रखना कि कहीं आप सारी जो ना वीज़ा आपका आया नहीं है, किसी भी वजह से वीज़ा रिफ्यूज़ भी हो सकता है, ठीक है, तो इसलिए बुकिंग नहीं करवानी। उसके अलावा फ्लाइट रिजर्वेशन, ठीक है, रिजर्व करवानी है टिकट, ख़रीदनी नहीं है जब तक आपका वीज़ा नहीं आ जाता, आपने आपने बताना है कि भाई इस डेट से इन डेट में मैं जाऊँगा और इस डेट को मैं वापस आऊँगा, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल 5 जून को मेरा प्लान है जाने का और मैं 20 जून को वापस आऊँगा, फिर वो उस पर एयरपोर्ट भी लिखा हुआ, लाहौर एयरपोर्ट से जा रहे हैं, जो इस्लामाबाद से जा रहे हैं, ठीक है, न्यू दिल्ली से जा रही हैं तो इस्तांबुल से फिर वापस आप अपने शहर में लैंड करेंगे, रिजर्व करवानी, ख़रीदनी नहीं है टिकट, ठीक है, ये होगी चीज़ें। उसके बाद अगर आपकी कोई ट्रैवल हिस्ट्री है पासपोर्ट की,
तो उसकी फोटोकॉपीज और तमाम फोटोकॉपीज का साइज A4 होना चाहिए। जो A4 साइज नहीं होता वो छोटी छोटी फोटोकॉपी नहीं करवानी जो वो काट के देते, नहीं पूरा जो पेज होता है उसे कहना पूरा पेज के ऊपर जो हमें फोटोकॉपी करके दे, ठीक है। पासपोर्ट के पहले पेज की पासपोर्ट साइन, जितने उसके ऊपर वीजे लगे हों एंटर एग्जिट उसकी फोटोकॉपीज, CNI से ही जो है आपकी वो फोटोकॉपी, दोनों साइड से एक ही जो नेशनल आईडी कार्ड नंबर है आपका, एक ही जो A4 पेज के ऊपर वो एक ही साइड पे वो होनी चाहिए, ठीक है। इंश्योरेंस भी आपकी लग गई, फॉर्म जो है ना आपने ऑनलाइन फिल कर दिए थे उसका प्रिंट आउट ले लिया है, ठीक है। फोटोग्राफ आपने जो है ना वो भी ले लिया है। अगर पाकिस्तान से आप टर्की के लिए वीजा अप्लाई कर रहे हैं तो पोलियो की वैक्सीन आपके लिए जरूरी है। किसी भी सरकारी हॉस्पिटल से आप पोलियो की वैक्सीन ले सकते हैं। सर्टिफिकेट वो आपको छोटा सा दे देंगे ट्रैवल का कि इस बंदे ने पोलियो की वैक्सीन, माजी में अगर आपने कतरे पिए हुए हैं तो वो आप अपने हेल्थ ऑफिसर जो लोकल है उससे ले सकते हैं। अगर नहीं आपने कतरे पिए हुए वैक्सीन, कतरे नहीं पिए हुए तो आप दोबारा वो आपको जरूरी है, क्योंकि वो वीज़ा के लिए आपको जो है ना ट्रैवल के लिए वो आपको दिखानी पड़ेगी, ठीक है। प्राइवेट कंपनीज भी करती हैं और उसमें आपने लेकिन ये देख लेना कि गवर्नमेंट की ऑथराइज्ड हो, ठीक है, उस लिस्ट में हो ताकि आपको कोई उसमें इशू ना हो। वीज़ा फीस जो है वो सिंगल एंट्री जो है वो 10,000 PKR है, पाकिस्तानी रुपीज़ हैं, और मल्टीपल एंट्री के लिए 44,000 है। अगर आप ट्रांजिट वीज़ा लेना चाह रहे हैं तो उसके लिए 10,000 है, डबल ट्रांजिट के लिए 20,000 है। अगर आपके पास पहले से शेंजन वीज़ा है, UK का, ऑस्ट्रेलिया का या US वीज़ा है तो आप ऑनलाइन ई वीज़ा ले सकते हैं, उसकी फीस जो है ना वो $60 है, ठीक है। आप ऑन अराइवल वीज़ा भी ले सकते हैं, अगर आपके पास UK, US से यूरोप का कोई अगर वीज़ा है तो वो आप वहाँ पर आएंगे, जब लैंड करेंगे एयरपोर्ट पे काउंटर्स बने हुए हैं वहाँ पे $60 पे करेंगे तो आपको वो वीज़ा मिल जाएगा। और इसके अलावा जो उनकी सर्विस चार्जेज हैं VFS की और एनाटोलिया ट्रैवल सर्विसेज .com की, वो 6,400, क्योंकि वो कुरियर जो उन्होंने आपसे डॉक्यूमेंट्स लेके चेक करने के बाद जो एम्बेसी को भेजने उसकी फीस भी है। तो टोटल जो ना आपने 17,000 से 20,000 के करीब ना आपने अपने पास रखना है। अगर आप एक्स्ट्रा सर्विसेज लेना चाहते हैं, प्रीमियम लॉन्ज है उसकी 1,380 है फीस, ठीक है। अगर आप फोटोकॉपी को करवाना चाहते हैं उसकी ₹15 है। फोटोग्राफ अगर आप भूल गए हैं, अगर उन साइज के मुताबिक नहीं है तो उसकी फीस ₹1,500 है। अब ये चीजें जो ना होटल बुकिंग भी आपकी हो गई है और फ्लाइट रिजर्वेशन भी आपकी हो गई है, तो आपके पास ये जो है ना सारी चीजें होनी चाहिए टर्किश वीजा के लिए। और इसके अलावा कोई वो डॉक्यूमेंट्स ज्यादा नहीं मांगते, ठीक है, यही डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए और इनकी आप मुकम्मल तैयारी करने के बाद जो है ना वो ले जाएं। अगर आपकी तस्वीर जो है ना वो उसके मुताबिक नहीं है, फोटोकॉपीज उसके मुताबिक नहीं है या फॉर्म सही फिल नहीं हुआ तो उसमें भी आपको परेशानी वाली कोई बात नहीं है, ठीक है। आप वीज़ा सेंटर में जब जाएंगे एनाटोलिया सर्विसेज ट्रैवल सर्विसेज .com वाले, वो भी आपका फॉर्म फिल करके आपको दे देंगे, फोटोकॉपी की सर्विसेज भी वो आपको देंगे, ठीक है। और पिक्चर कोई नहीं सही है तो वो पिक्चर भी आपको वो बना के देंगे। सारी डॉक्यूमेंट्स जो है ना हेल्थ इंश्योरेंस अगर आपकी सही है वो कहेंगे आप इसको सही कर लें और दोबारा आ जाएं, या उसी उनके वहाँ पे काउंटर्स भी हैं, ठीक है, VFS में भी काउंटर्स हैं हेल्थ के वहाँ पे भी, और वो भी आपको गाइड करते हैं, मुकम्मल गाइड करेंगे आप। इसलिए जो आपने अप्लाई करने जाना तो कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। जिस तरह आपको परेशानी होती है, UK के डॉक्यूमेंट्स पूरे होने चाहिए, कनाडा के डॉक्यूमेंट्स पूरे होने चाहिए, ठीक है, सर्विसेज वो भी देते हैं, ठीक है, लेकिन फिर जो है ना आपको वापस जाना पड़ता है, फिर दोबारा आके अप्लाई करना पड़ता है। तो ये चीज़ें हैं सारी आपने जो कटी, मैंने इसकी ना डिस्क्रिप्शन में सारी जो 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 डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए वो मैं उसकी वो दे भी देता हूँ, डिस्क्रिप्शन में मैं मेंशन भी करता हूँ नंबर वाइज, ठीक है। और वेबसाइट जो है एनाटोलिया ट्रैवल सर्विस में या VFS का लिंक भी दे देता हूँ, ठीक है, ताकि आपको आसानी हो। ये टोटल जो है ना वो प्रोसेस है टर्की का वीज़ा लेने का। अब खर्चा कितना आता है, वो जो है ना टर्की का वीज़ा कितने पैसे आपके पास होने चाहिए और होटल किस तरह से बुक करवा सकते हैं, कितने का होटल बुक करवाने चाहिए, कौन कौन से शहर हमें फिरने चाहिए, ये मैं एक अलग वीडियो में आपको सारा जो है ना वो एक्सप्लेन करूँगा ताकि आपको समझ आ जाए स्टेप बाई स्टेप कि इतना का हमारे पास ना खर्चा होना चाहिए, ठीक है। टिल नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर, बाय, अल्लाह हाफिज़।